Namaskar, students. आज हम लोग तत्पुरुष का तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ेंगे. फिर आप ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है. कभी कभी आपको लगेगा अंतिम पद प्रधान कैसे समझेंगे, तो अंतिम पद जो होता है उसका क्रिया से संबंध बन जाता है. जैसे हम लोग बोलते हैं राजपुरुष, तो पूछेंगे कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो बोले राजा का पुरुष. राजा तो नहीं आ रहा है, उसका पुरुष आ रहा है ना. इसलिए इस तरीके से समझ में आएगा आपको कि अंतिम पद प्रधान कैसे होता है. आज हम लोग तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे. इस तृतीय तत्पुरुष समास में जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति हो उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं. ठीक है, जिस समास के प्रथम पद में, जिस तत्पुरुष समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति हो उसे तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे. जैसे देखिएगा शंकुला खंड क्या है. शंकुला मतलब सरोता से हो, कैसे ही करते हैं ना, वैसे होता हुआ शंकुला स्त्रीलिंग शब्द होता है. उसके प्रत्यय एक वचन में लताया की तरह शंकुलया हो गया एक पद, दूसरा पद है खंड. तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे भी पद आएंगे जो तृतीय भी प्रयोग होते हैं, सप्तमी में भी प्रयोग होते हैं, या चतुर्थी में भी कुछ प्रयोग होते हैं. तो ध्यान रखना होगा कि तृतीय में वही होता है जो प्रथम पद के द्वारा किया गया हो अंतिम पद का, उसका परिणाम दिखे. ठीक है, इसमें परिणाम ना दिखेगा उसको हम तृतीय तत्पुरुष समास नहीं कर सकेंगे. जैसे अभी हमने कहा शंकुलया खंड, तो शंकुला से क्या क्या खंड किया गया. शंकुला तो बना और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उस पर उसका गोल तो दिख गया, इसलिए शंकुलया खंड हो गया. अगर हम करते हैं नखा भिन्न, नखा भिन्न तो भिन्न धातु का छेदना काटना अलग करना होता है, उसे भिन्न धातु से भिन्न बना हुआ है. तो नख से भिन्न, नख से नोच कर अलग कर दिया, उस पर उसका प्रभाव तो दिखा, उसका परिणाम तो दिखा, इसलिए वह नख भिन्न हो गया. क्या करेंगे हम नखई, एक नाखून से तो किसी चीज को नोच कर नहीं हटा सकेंगे, इसलिए बहुवचन मैंने लगाया है नखई भिन्न, नख भिन्न, नखई भिन्न, नख भिन्न. इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि तृतीय तत्पुरुष समास में कैसे पूरित, मिश्र, कलह, खंड, कुशल, सम, सदृश, चतुर, निपुण, पटु, हीन, पूर्ण, छिन्न, भिन्न, सदृश, रक्षित, शून्य, तुल्य, संतप्त इत्यादि पदों के साथ समस्त पद में तृतीय विभक्ति होती है. जैसे आपने कहा पूरित, मिश्र, श्लक्षण, निपुण, चतुर, कुशल, हीन, छिन्न, भिन्न, रक्षित, श्लक्षण, ये सारे इतने सारे शब्द हो गए. ठीक है, सदृश, सम, सदृश, सम इत्यादि, इतना ही नहीं और भी अन्य पद भी हैं. इत्यादि पदों के साथ जो पद समस्त होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी. मान लिया हम कहते हैं जल पूरित, पूरा किससे है, जल से है. जल उसमें रखा गया तो परिणति पूरा होने की हो गई ना, तो जलेन
चतुर्थी तत्पुरुष समास है, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति हो उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिएगा, रक्षित का हमने तृतीय विभक्ति में भी प्रयोग किया है और रक्षित का चतुर्थी विभक्ति में भी प्रयोग होता है। तो तृतीय में मान लिया मैंने क्या, तो तृतीय में देखिएगा क्या होता है, पुत्र रक्षित है। तो रक्षित है किसके द्वारा रक्षा किया गया है, पुत्र के द्वारा रक्षा किया गया है। परिणति दिख रही है ना, तो कहा पुत्रेण रक्षित है या पुत्र के द्वारा रक्षित है। किंतु चतुर्थी में भी जब हम करेंगे तभी हो जाएगा पुत्र रक्षित। अब इसमें पुत्र के द्वारा रक्षा किया गया तो जिसके द्वारा किया गया है उसका प्रभाव दिख रहा है, और इसमें पुत्र रक्षित तो जो पद आया है वो तो रक्षित के साथ कौन पद है, पुत्र है। तो पुत्र ने कुछ नहीं किया है, माँ बाप हम कोई भी, हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ बचाकर रखते हैं, बचाते हैं, उसके लिए कहेंगे मात्रा, चाहे माँ किसी चीज को बच्चा के लिए बचा के रखी है। तो कहा पुत्र रक्षिता, इदं पुत्र रक्षितं वस्तुम् अस्ति, ठीक है, या कोई भी चीज है उसको कहेगा कि माँ ने बच्चों के लिए बचाया, पुत्र के लिए बचाया है। तो यहाँ पुत्र में चतुर्थी विभक्ति जब हो गई तो क्या हो गया, पुत्राय रक्षितः, पुत्र के लिए बचाया गया, बचाने वाला रक्षा करने वाला व्यक्ति कोई और है, क्या है? और जिसके लिए बचाया है, क्योंकि संप्रदान कारक में वो करता होता है, वो अपने लिए करे या किसी के लिए, उसकी क्रिया दूसरे के लिए होती है। तो जिसके लिए करता काम करता है उसमें संप्रदान कारक होता है। मैं अपने लिए भोजन बनाती हूँ तो वहां मैं बनाने वाली बनाने वाली मैं करता, लेकिन बच्चों के लिए तो संप्रदान हो गया। तो वही ध्यान दीजिएगा कि कर्ता जिसके लिए काम करता है उसमें संप्रदान कारक हो गया, वैसे ही पुत्र के लिए रक्षा किया गया है, रक्षा करने वाला कोई और व्यक्ति है। इसलिए ध्यान देंगे वाक्यानुसार कहाँ तृतीय विभक्ति और कहाँ चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, कहाँ तृतीय तत्पुरुष होगा, कहाँ चतुर्थी तत्पुरुष होगा, ये व्यवहार पर आधारित होगा। तो ध्यान रखेंगे कि चतुर्थी तत्पुरुष समास में शाला मतलब घर, आलय, सड़क, क्षेत्र, बलि, दारू, हित आदि शब्दों के साथ जो समास होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देखिएगा गोहितम, किसके हित के लिए, गो एक पद है, गो दूसरा है हित, तो गो के किसके लिए हित किया, किसके लिए भलाई किया, गाय के लिए किया है। तो गो के चतुर्थी में क्या होता है, गवे हितम, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। गो के चतुर्थी में क्या हुआ, गवे, गवे हितम, गो हितम। तो इस तरीके से मान लिया हमने, कहा क्रीड़ा सरह, सरह माने मैदान क्षेत्र, वह क्षेत्र किसके लिए है, क्रीड़ा के लिए है। तो कहा क्रीड़ा सरह को क्या कहेंगे हम, क्रीड़ा सरह क्रीड़ायै, क्रीड़ायै
बार फिर से, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति हो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। हमने कहा व्यवहार कुशल, ध्यान दीजिएगा व्यवहार कुशल, तो व्यवहार के द्वारा हम सत्ता किसी पर जाहिर होती है, कोई अच्छा दिखेगा, अच्छा व्यवहार करेगा वह गुण दिखेगा ना, तो चतुर्थी हो जाएगी ना व्यवहार कुशल, व्यवहार के द्वारा उसमें कुशलता आई है, इस कारण से कुशलता आई है, व्यवहार के द्वारा कुशलता आई है, वह प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसमें चतुर्थी का उपाय नहीं होगा। लेकिन हमने कहा पाठशाला, शाला का मतलब घर होता है, वह शाला किस लिए बनी है, पढ़ने के लिए बनी है, तो पाठाय शाला पाठशाला, ठीक है, पाठाय शाला पाठशाला। हमारे यहाँ बलि की प्रथा पहले से चलती आ रही है, बलि क्यों देते हैं, बलि मतलब जिसके नाम का बलि देते हो, बलि उसका भोजन होता है, तो मान लिया भूत को बलि देते हैं, तो क्या कहा भूताय बलि, भूत बलि, काक को देंगे कुछ, काकाय बलि, काक बलि, ठीक है। कई यज्ञ होता है, बंद होता है, उसमें यहाँ पे सामग्रियां होती है, खंभा इत्यादि क्या क्या सब लगाए जाते हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं यूपदारु, यूपाय दारु, यूपदारु यूपाय दारु, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देंगे विभक्ति का प्रयोग कब कैसे कहाँ करेंगे, थोड़ी तो समझदारी बरतनी पड़ेगी, समझदारी से आप तत्पुरुष समास को जरूर देखेंगे, सबके तत्पुरुष समास पढ़ने के बाद एक दिन आप फिर देखिएगा इसमें तत्पुरुष का शब्द तो बहुत बड़ा है, नई समास का भेद है, तत्पुरुष समास का भेद है, अलुक इत्यादि जो भी समास के भेद होते सब इसी के अंतर्गत है, तो आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद आप स्टेप टेस्ट के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि सबका मिला हुआ टेस्ट मैं एक बार पुनः लूंगी। धन्यवाद। होमवर्क के लिए आपको पीडीएफ में होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क में मिलेगा आपको समास विग्रह करना, समास विग्रह करें। धन्यवाद।